हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं खड़े मसाले का मटन स्टू बनाने वाली हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से। तो उसके लिए आपको हाफ़ के जी चिकन सॉरी मटन ले लेना है। तो उसके लिए हमने दो बड़ी साइज की प्याज चॉप कर लिया है, उसको हम कच्चे मटन में ही डाल देंगे। फिर 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे, इसमें ज़्यादा धनिया का यूज़ नहीं है, और 1 पिंच काश्मीरी मिर्च पाउडर, वो मुझे अच्छा लगता है देखने में इसलिए डाल देती हूँ। फिर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालना है, इसमें जितना हो सके खड़े मसाले डालें और थोड़े से पिसे मसाले चाहिए। फिर रेड चिली पाउडर डालना है, अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, कोई ज़्यादा तीखा खाते हैं ज़्यादा कम, हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा तीखा खाया जाता है। फिर नमक डाल देंगे, और होममेड गरम मसाला पाउडर भी बना के रखा है मैंने, मीट मसाला भी बना के रखा है, तो उसको ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये तो नॉर्मल है, नॉन वेज वगैरह में डलते ही डलते हैं। और फिर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है, उसमें थोड़े से मैं काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया था, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसको डालने के बाद हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल के साथ मिक्स कर देंगे मटन, अनियन, सारे खड़े मसाले, पिसे मसाले, सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद बस यही काम बचा है हम लोगों को, बस भूनना है उसको, जब तक उसका कलर अच्छा नहीं आ जाता है भूनते रहना है। और फिर इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन खाने पे लाजवाब बनता है, बहुत टेस्टी लगा था और इजी है और टेस्टी है। फिर ये मेरा गरम मसाला होममेड, और ये मीट मसाला डाल दिया 1-1 चम्मच। फिर इसको अच्छे से मिला देंगे, भूनना है जब तक इसमें कलर बहुत अच्छा नहीं आता है। आप लोग बताइएगा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब। मैं इलाहाबाद से हूँ, आप लोग कहाँ से हैं प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए, भूनते भूनते ये कलर कितना प्यारा आ गया है। ऐसे ही और नॉन वेज रेसिपीज़ के लिए और वेज रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए। बहुत ही इजी रेसिपी रहती हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, नया नया स्वाद रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा मटन रेडी हो रहा है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अब वेट करना है इसमें सीटी आने का, सिर्फ 3 से 4 सीटी में ही बहुत अच्छी तरह से बन जाता है, इसको दोबारा से सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहली सीटी आने वाली है, देखते हैं। सेकंड विसल, थर्ड, अभी पक चुका है अच्छी तरह से। देखिए इसमें कलर कितना प्यारा आया हुआ है, इसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं रहती कि पका हुआ है कि और ज़रूरत है। और इसमें ज़्यादा सालन भी नहीं लगा हुआ, जो भी थोड़ा है इसको भून लेंगे हम। बढ़िया ताज़ी हरी धनिया इसमें डाल दीजिए, और थोड़ा सा और भूनते रहिए ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और फिर ये रेडी है खाने के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, आप लोग भी एक बार ट्राई करिए और फिर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। And like, subscribe my channel. Thank you.